बनवासी बोलते हैं, बनवासी बोलते हैं ना, बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े नेता आते हैं, मेरे बनवासी भाइयों, पहले आदिवासी बोलते थे। और ये पंचवर्षी के बाद में अगर आप लोगों से कह दिया कि आप यहाँ बाहरवासी हो, इसलिए हमें अपनी पहचान को जिंदा रखना है तो हमारी संस्कृति को बचाना होगा, हमारी रीति रिवाज को बचाना होगा, हमारे महापुरुषों को याद करना होगा, हमारे देवी देवताओं को याद करना होगा। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0021 में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं घर आया हुआ था कल, तो आज आया हूँ मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए बाहर। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखते रहे आज का पूरा ब्लॉग। तो ठीक है, आज का ब्लॉग कंटिन्यू। पर एक मस्त चीज़ दिखी थी, पर वहाँ पर सूरज है ना, वो दब गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है वहाँ पर। क्या मस्त नज़ारा दिख रहा था, अभी वो क्लियर दिख रहा था, रेड रेड। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल। गाँव में यही दिक्कत है यार नेटवर्क की, पता है 1.5 घंटे से परेशान हो रहा हूँ, पर वो अभी आधा भी अपलोड नहीं हुआ है, पता नहीं कब तक अपलोड होगा। अभी तो घर जाना है, मैं हाथ मुंह धो के भी नहीं आया था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। उठा और डायरेक्ट इधर आ गया ब्लॉग अपलोड करने के लिए। और एक बात मैंने नोटिस करी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि ऐसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा है ना आलसी करता हूँ, मतलब कि उठ जाता हूँ, नींद खुल जाती है मेरी, पर मैं बिस्तर नहीं छोड़ता था, मोबाइल चलाया करो या कुछ, मोबाइल चलाता तो बिस्तर में रह के क्या किया जा सकता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मनता है, तो मोबाइल चलाता था। पर जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ ना, मतलब अपलोड करने के लिए मैं 4 बजे या 5 बजे या 3 बजे उठ के ब्लॉग अपलोड करने के लिए या कुछ भी देखने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा। और यहाँ गांव में आने से ये फायदा हुआ कि मैं घर में तो हो नहीं सकता अपलोड, तो मैं बाहर आ जाता हूँ, तो घूमना भी हो जाता है और ब्लॉग भी अपलोड हो जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़। इच्छा है या तुम्हारा गोल है, उसके थ्रू, मतलब कि तुम्हारे गोल के थ्रू आपकी अच्छी या अच्छी तो नहीं बुरी आदतों को भी चेंज कर सकते हो। ये जान गया मैं, मतलब कि पहले आलसी आती थी कि कौन जाएगा कौन करेगा इतनी सुबह उठ के, मतलब कि सब फालतू काम समझता था, पर इसके थ्रू मैं ना आता हूँ यहाँ पर, घूमना टहलना तो हो ही जाता है सुबह से, नहीं तो मैं नहीं आता था। ऐसे खुद के ऊपर करके आजमाया है कि जो आपकी गोल है, जो आप रियल में पाना चाहते हो, उसके थ्रू आपकी बुरी आदतों को भी चेंज कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, तो ट्राई करना आप भी, देखते हैं। सुबह के 11 और हम जा रहे हैं बाबा के पास नारियल फोड़ने के लिए, तो चलते हैं बाबा के मेरे पास। मेरे साथ कौन जा रहा है? एक न्यू पर्सन, छोटा बेबी। हाय कर सारू, हाय। ये है मेरी जो बड़ी वाली दीदी है, उनकी लड़की है, मतलब कि मेरी भांजी है, तो इसके साथ जा रहा हूँ मैं। तो चलो पहुँच गया हूँ क्योंकि पास में ही है, तो नारियल वगैरह। Oh,
वगैरह सब फोड़ दिए हैं और अब जा रहे हैं वापस। इसके बाद जाना है खेत, देखते हैं। और आज है शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस, तो शाम को रहेगा कार्यक्रम, तो पूरा वीडियो देखिएगा आज का और बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चुका है 12 और अभी जा रहा हूँ खेत में। मैं सबके साथ आ रहा था तो तार भूल गए थे, तो मैं वापस चले गया था लेने के लिए। फिर मैं जल्दी जल्दी गया और तार लेके दूसरे रास्ते से आ गया, जिस साइड से स्कूल है। और बाकी जो मम्मी हैं और दीदी वगैरह भांजी है वो सब पीछे रह गए। अब वो पीछे आ रहे हैं, बोलेंगे मामा इतने आगे कैसे चले गए। जैसे कि पिछले बार भी क्या होता 9 अगस्त के टाइम पे कि मैं जैसे ही घर पे था तो लाइट चली गई और दोस्त का कॉल आ गया तो लाइट आ गई। मैं बात करने लगा, 1-1.5 घंटे बात हुई उससे और जैसे चार्ज लगाया फिर लाइट चली गई। सेम सिचुएशन आज भी हुई कि मैं कल आया रात में तो मोबाइल चार्ज था, 60% था, तो मैंने चार्ज नहीं लगाया रात में। और फिर सुबह में वीडियो अपलोड करने के लिए चले गया कहाँ, बाहर। बाहर जाने के बाद फिर मैं सुबह आया क्योंकि 8% बची थी ओनली बैटरी, तो चार्ज लगा दिया, सिर्फ 46 या 47 हुई और चली गई लाइट। चुप। तो अभी भी मोबाइल सिर्फ 30 बचा हुआ है और शाम को है कार्यक्रम, तो मेरे को वीडियो बनाने के लिए बैटरी होना उसमें मोबाइल में, यदि डिस्चार्ज हो गया तो कैसे बना पाऊँगा, तो टेंशन है। जैसे मैं जाता हूँ घर तो लाइट मिलना चाहिए, तो चार्ज लगा दूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा तक तो वीडियो बन जाएगा, नहीं तो फिर इतना कुछ होगा, कुछ देखते हैं दोस्त वगैरह का मोबाइल होगा उनसे, नहीं तो बाकी लाइट आ जाएगी मेरे हिसाब से, मैं जाऊंगा तब तक। और अभी तक दिख नहीं रहे हैं, ये देखो यहाँ से वहाँ तक, और उनको पता भी नहीं है अभी कि मैं उनसे आगे हूँ, मैं जाके छुप जाऊँगा मेरा खेत। और आपको कुछ बताता हूँ, आपको ये पता है क्या कि ये किसका झाड़ है? यदि नहीं पता है तो मैं बताऊँगा, पर बाद में देख लो। ये लगे हुए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत लगाए थे। और ये रहे मेरे मक्का, मेरा मक्का देखो सूख गए हैं, पर इनको अभी खाना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मम्मी बोलती है, बोले कभी अभी खाएंगे तो डांट लग जाएगी, फिर सूअर बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, तो अब इनको खा नहीं रहे हैं। अब जल्दी से जो टापरी बनी हुई है उसमें ही जाके सो जाते हैं। अगर चुपके से बैठ गया हूँ इसके अंदर, अब वो जैसे ही आएंगे तो सोचेंगे इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैं वीडियो बताऊंगा आपको। यहाँ से कभी जूम होता होगा तो बताऊंगा, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा है, हाँ वो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, वो देखो ये बोरी लग रख के मम्मी आ रही है, दिख रहा है नहीं? वो आ रही है, जल्दी से अब इधर अंदर हो जाते, नहीं तो देख लेंगे भाई सब। आवाज आने लगी है। अरे मैया, तू क्या देख लियो? अरे वाह वाह, तो कहां से आए रे? तो कहां से आ गए? उड़ के आए तुम से आ गया, आ गया तुम्हें क्या, फिर से आगे हो जाऊं? आया फिर से मैं स्कूल साइड से, और हम का देखते ही कहे 2 बज चुके हैं और अब देखते हैं घर जाना है कि रुकेंगे। वैसे तो घर ही जाएंगे क्योंकि अब शाम को कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं घर ही जाते हैं। जा रहे हैं वापस घर। था और
जस्ट अभी उठा हूँ तो अब दोबारा नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर तैयार हो जाऊंगा क्योंकि फिर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। मम्मी बना रही है पूरी, तो कही है मम्मी की दाल का, मूंग की दाल के बड़े बने होंगे और मीठे भजे भी अभी बने के बनाएगा अभी ये रखे हैं, इनके मीठे भजे बनाएंगे। सब्जी बाजार गया था तो लेके नहीं आया, प्याज पानी में कैसे बढ़